पढ़ने बैठते तो हो पर अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाती। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, राइट? डिस्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स कोई होना नहीं चाहता है, बट क्या होता है, कुछ कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं वेर यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस। देर आर एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ एंड आई एग्री टू दैट। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में, पर भाई इन डिस्ट्रैक्शन से डील कैसे करें, हाउ टू डील विद दीज डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा ही रहेंगे, पर ये जो गोल्डन टाइम आपके पास है ये टाइम जरूर निकल जाएगा। तो अब अपने आप को किस तरीके से आपको अपने माइंड फ्रेम को रखना चाहिए कि आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सको, क्योंकि आपको पता है एक एक दिन करके टाइम निकलता जाएगा, एग्जाम्स आ जाएंगे और आपकी प्रेपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, और आपको पता है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे अगर आप अभी जिस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहे तो। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू डील विद मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर 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 हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूं कि आपको मोटिवेट कर सकूं, गाइड कर सकूं और आपकी स्टडी बडी बन सकूं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द टॉप टू रीजंस जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे तो बहुत रीजंस है बट जो टॉप टू रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सबसे पहला है, सबसे कॉमन, दैट इज यूज ऑफ सोशल मीडिया। देखो आपको भी पता है कि आप सोशल मीडिया के यूज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, लूप में वीडियो देखते रहते हो और आपको पता नहीं चलता कब 45 मिनट्स, 1 आवर हो गया, टाइम वेस्ट हो जाता है। सोशल मीडिया इज वन बिग 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 रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज ओवर थिंकिंग। कैसे होगा, वॉट इफ, क्या मेरे से हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे से भी होती है ओवर थिंकिंग, मैं भी कई बार उस ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाती हूं। कैसे होगा, कई बार पता है क्या होता है, हम ना खुद को दूसरों से कंपेयर भी करते हैं तो उसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है। वॉट इफ नहीं हुआ तो, मेरे से होगा क्या, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस प्लेस ना करना, इन सब चीजों की वजह से यू एंड अप थिंकिंग अ लॉट एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। झूठ बहुत बोलना, मुझे पता है सबके साथ ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। दीज आर टॉप टू रीजंस। पढ़ने तो बैठे हो, बुक तो खुली है पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो दीज आर टॉप टू रीजंस जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब आपको पता है रीजंस, तो अब किस तरीके से डील किया जाए इन डिस्ट्रैक्शन से, ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प। फर्स्ट वन इज कंट्रोल करना खुद को। देखो एट दी एंड ऑफ द डे फ्यूचर किसका है, आपका है। फायदा किसको होगा, आपको होगा। अगर मैं आपको इस वीडियो में बोलती हूं ना, अरे डोंट यूज सोशल मीडिया, ये मत करो, वो मत करो, तुम कितनी मेरी बात मान लोगे। एट दी एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना होगा कि ये फ्यूचर आपका है, ये फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप आज फोन को छोड़ते हो तो फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। और आपको ये भी पता है सोशल मीडिया आज भी सेम है, 6 महीने के बाद भी सेम होगा, बट जो चीज सेम नहीं होगी वो होगा तुम्हारा फ्यूचर। तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज ऑफ सोशल मीडिया। इधर आप देखो अनइंस्टॉल कर दो चीजों को जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर कंट्रोल करो उनका यूज। करना तो आप ही को पड़ेगा, मैं तो आपका फोन छीन नहीं सकती, कोई भी आपका फोन नहीं छीन सकता आपसे। इट्स यू हु हैव टू कंट्रोल। एंड सेकेंडली फॉर ओवर थिंकिंग ऑल्सो, देखो आपको पता, अगर आप ओवरथिंक करते हो ना तो आपको पता है कि आप एक ओवरथिंक करो, तो जब आप उस लूप में जाने लगो ना ओवरथिंकिंग की, क्या होगा, कैसे होगा, आपको पता चल जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, स्टॉप योरसेल्फ राइट देन कि नहीं, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, पर उसके लिए मुझे आज काम करना पड़ेगा। देखो जैसे ही उस लूप में जाओ ना, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? तो स्ट्रांग हेडेड तो आपको खुद को रहना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को, सोशल मीडिया भी आप ही को कंट्रोल करना है, एंड सेकेंडली ये जो ओवर थिंकिंग है ये भी आप ही को कंट्रोल करनी है। स्टॉप राइट देन, जब आपको लगे ना आप वीडियो स्क्रॉल हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टॉप राइट देन। इधर लाइक आई सेड, अनइंस्टॉल कर दो चीजों को या फिर कंट्रोल करो। एंड सेकेंडली मैं जो सबको सजेस्ट करती हूं, देखो मैं भी एक ओवर थिंकर हूं, तो हाउ आई यूज टू स्टडी, राइट नाउ आई स्टिल से दैट स्टिल आई एम एन ओवर थिंकर, बट यू हैव टू बी फोकस्ड यार। देखो एट द एंड ऑफ द डे ना मोटिवेशन खुद के अंदर से आनी चाहिए। मैं आपको कितना भी बोल दू, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप कितना भी सुन लो, जब तक वो अंदर से नहीं आता ना, तब तक आपके डिस्ट्रैक्शन आपको इफेक्ट करेंगे। पर वो जब अंदर से आने लगेगा ना मोटिवेशन, मैं आपको सिंपल चीज बोलू, जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो ना उसको अपने रूम में स्टिक कर दो। जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके एम्बिशन है, जितना ज्यादा आप उन्हें देखोगे ना उतना ज्यादा वो आपको रिमाइंड करेंगे कि आपको क्यों पढ़ने की जरूरत है।
क्यों? देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी पढ़ रहे हो। तो जो चीजें तुम्हें इंस्पायर करती है, जिस चीज के लिए भी तुम एम्बिशियस हो, थोड़ी चीजें अपने रूम में स्टिक करो, थोड़े एफर्मेशंस आप अपने रूम में स्टिक करो, ताकि आप पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। क्योंकि देखो, पेन तो बहुत ही टेम्पररी है, ये जो स्ट्रगल का पीरियड है ना, बहुत टेम्पररी है, बट इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो परमानेंट रिजल्ट्स होने वाले हैं। 5 years डाउन द लाइन, अगर आपने ये गोल्डन पीरियड है यार आपके पास, अगर आपने ये टाइम अच्छे से इस्तेमाल कर लिया ना, इफ यू यूटिलाइज दिस टाइम, आपके आने वाली जिंदगी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सोचो। लेकिन कुछ साल की मेहनत है, वो आप ही को करनी पड़ेगी। तो प्लीज स्टिक समथिंग इन योर रूम जिससे आप एम्बिशियस फील करो, जिससे आप जो चीजें आपको इंस्पायर करती है, जो आप बनना चाहते हो, स्टिक दैट। एंड थर्ड थिंग बींग, मेरे को हमेशा पढ़ाई अर्ली मॉर्निंग में बहुत अच्छे से होती थी, तो यार स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उस समय क्या है, थोड़ा आप डिस्ट्रैक्टेड कम होते हो, आप सुबह उठते हो, दिमाग फ्रेश होता है, तो अर्ली मॉर्निंग अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट करो। आई एम श्योर अर्ली मॉर्निंग बहुत लोगों के लिए उठना टफ होता है, बट अगर आप नहीं उठोगे तो आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर्स उठ के पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट योर स्टडीज अर्ली, सो दैट फ्रेश माइंड से जितना पढ़ोगे उतनी चीजें आपको याद रहेगी। एंड द लास्ट थिंग इज गिव योर सेल्फ सम ब्रेक, खुद को ब्रेक दो यार। 2 घंटा पढ़ो तो आधा घंटा ब्रेक दे दो, ब्रेक में फ्रेश हो जाओगे। जब हम ज्यादा बोर हो जाते हैं ना, तब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे ही बोर होने लगो 2 घंटा पढ़ो, जैसे ही बोर होने लगो थोड़ा ब्रेक ले लो। तो ब्रेक्स में पढ़ाई करोगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक है? तो फॉलो दीज थिंग्स ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। एंड सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंट्रोल तो आप ही को करना पड़ेगा, एंड अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो प्लीज फॉलो दीज थिंग्स एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ येस, गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर योर थॉट्स विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड कीप स्टडिंग हार्ड। टिल देन,